हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन एक पैसेज नहीं होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी सॉल्व करेंगे और वो भी क्लास थ्री के लिए। देख लीजिए, बुक है विंग्स, बंगाल बोर्ड की बुक है विंग्स पार्ट वन सपोर्ट मटेरियल्स। इसका पेज नंबर 16, एक्टिविटी 4। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द चार्ट करेक्टली। इस चार्ट को सही सही भरना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। देखते हैं क्या किया गया। डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर का नाम है, बेबी सुन के बच्चे, साउंड उनकी आवाज़ कैसी होती है, फूड एनी टू दो भोजन जो वो खाते हैं, पिक्चर उनका चित्र देखिए यहाँ है। इसी प्रकार इसे जैसे इसे कंप्लीट किया गया है, हमें बाकी के कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। देखिए, इस चार्ट को मैंने फिल कर लिया है। कैट, इसके बेबी को कहते हैं किटन, बेबीज के कॉलम में किटन लिखेंगे। साउंड्स म्यूज MEWS, फूड मिल्क एंड फिश। सीप, बेबी को कहते हैं लैम्प। साउंड ब्लीड, फूड ग्रास एंड ग्रीन लीव्स। ये शीप है। काव के बच्चे को कहते हैं काफ। साउंड मू MOOS मूस, और खाती है हे एंड ग्रास। और भी बहुत कुछ खाती है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। हे मने वो बिचाली पुआल कह सकते हैं। और लास्टली ये है गोट, उसके बच्चे को किड कहते हैं। भेड़ के बच्चे को लैम्प कहते हैं, बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। आवाज़ दोनों की सेम है, ब्लीट ब्लीट। भोजन भी सेम है, ग्रास एंड ग्रीन लीव्स। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी करेक्टली। ए को कॉलम बी से मिलाना है। देखिए, काउ गिव्स मिल्क, डोंकी कैरीज बर्डन। तो इसे हम लोग इससे मिला देते हैं। हैन गिव्स एग, कैट बिल्ली क्या करती है, कैट्स माइस। तो बिल्ली को इससे मिला। शीप गिव्स वूल, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं। लेट्स रीड। देखिए, यहाँ क्वेश्चंस का आंसर लिखना सिखाया गया है, बहुत ही आसान है। विच एनिमल सेज म्यू, उसका उत्तर देखिए। विच एनिमल की जगह आ गया ये कैट, सेज म्यू। उसी प्रकार ये सभी है, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें। आइए एक्टिविटी 6 सॉल्व करते हैं। विच एनिमल गार्ड्स आर हाउसेस, द डॉग। विच एनिमल की जगह द डॉग गार्ड्स आवर हाउस। विच एनिमल सेज क्वैक, द डक सेज क्वैक। Which animal cats mice? The cat catches mice. Which animal carries traveler in desert? The camel. मरुभूमि में कौन सा जानवर traveler को उठाता है? तो वो है ऊंट। विच एनिमल पुल्स कार्ट, ऑक्स पुल कार्ट। या बुलॉक भी लिख सकते हैं, बुलॉक ऑक्स की जगह बुलॉक भी लिख सकते हैं। विच एनिमल कैरीज बर्डन, द डोंकी कैरी बर्डन।
अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 7, फिलिंग द गैप विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। ए डॉग हैज़ 4 लेग्स। देखिए एकवचन बहुवचन, इससे रिलेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। देयर आर 2 कैट्स। आई हैव 3 टॉयस। एक से ज़्यादा होने से ऐसा लग जाता है। सी हैज़ ओनली 1 डॉल। रितु हैज़ 5 पेंस। देयर इज ए बॉय। यू हैव 6 बुक्स। ए बर्ड हैज़ 2 विंग्स। ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल। ए देयर आर मैनी फ्लावर्स। इसी के साथ हमारी आज की एक्टिविटी और वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।